गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू जेम्स किड्स एकेडमी क्लास 5th एक्सरसाइज 6 फर्स्ट क्वेश्चन। सी द फॉलोइंग फ्रैक्शन एंड पुट द सुटेबल साइन इन द बॉक्सेस। बॉक्सेस में जो सुटेबल साइन है वो क्या करना है, फिल करना है। जो हमें फ्रैक्शन दे रखी है उसमें जो फ्रैक्शन दे रखी है ना उनमें सुटेबल जो ये वाले दोनों में जो रिलेशनशिप है वो वाले साइन क्या करने हैं, फिल करना है। ठीक है, 1/4 ये है। इनमें से क्या करना है, रिलेशन में क्या देखना है, कौन सी ग्रेटर देन है, कौन सी लेस देन है, क्या है। तो ऐसे दो फ्रैक्शन को देखने के लिए हमने पता है कि जो ग्रेटर देन या लेस देन देखते हैं वो किस प्रकार देखते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई होता है और फिर राइट यहाँ होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होते हैं। कहाँ राइट होता है, यहाँ राइट होता है। ठीक है, तो 4 × 1 और 3 × 4 तो ये कितना हुआ 12, ये कितना हुआ 4। जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो ही फ्रैक्शन क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। तो ये वाली फ्रैक्शन क्या है, ग्रेटर देन। तो ये ग्रेटर देन का साइन क्या होगा, ये 1/4 ग्रेटर देन 3/4। 1/4 क्या है, लेस देन 3/4। 3/4 से क्या है, लेस देन है 1/4। ठीक है, सेकेंड हम बात करते हैं। सेकेंड जो फ्रैक्शन हमारी 1/2 1/2 1/2। ठीक है, 1/2 एंड 1/2 इन दोनों में वही देखते हैं क्या होता है, 1 × 2 एंड 1 × 2 2 = 2 दोनों तरफ 2, तो ये क्या होगी, फ्रैक्शन इक्वल होगी। तो कौन सा साइन यूज होगा, इक्वल वाला। ठीक है, इक्वल वाला साइन क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो है 1/3 ब्रैकेट बॉक्स 1/2। 1/3 और 1/2 में कौन सा ग्रेटर देन है ये देखते हैं। वही क्रॉस मल्टीप्लाई कितना होगा, 2 × 1 एंड 3 × 1 2 ये 3 तो कौन सा ग्रेटर देन हो गया, ये वाला 1/2 इज ग्रेटर देन। ठीक है, तो ये वाला होगा साइन इसमें, ये 1/3 लेस देन 1/2। ठीक है, फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला फ्रैक्शन है 1/4 ब्रैकेट 2/3 2/3। आप देखते हैं इनमें से 1/4 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 × 1 2 × 4 8 एंड 3 कौन सा ग्रेटर देन है, ये वाला 3/2 वाली जो फ्रैक्शन है वो क्या है, 1/2 से ग्रेटर देन है। तो लेस देन वाला साइन आएगा, 1/2 लेस देन 2/3। इस प्रकार को क्या करना है हमें, सॉल्व करना है। इस प्रकार क्वेश्चन को क्या करना है हमें, सॉल्व करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकंड क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन द मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में इनको क्या करना है, राइट करना है। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसी होती है, 1+5/6 ऐसी वाली जो फ्रैक्शन होती है उनको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। 5+1/2 ऐसी फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे 6+4/5 ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इनको कैसे बनाएंगे, इनमें क्या है, जो 7 है ना, 9 मीटर में क्या डिनोमीटर से डिवाइड करेंगे, 7/5 का 1 टाइम गया, 1 टाइम कितना है 5, रिमेंबर कितना हुआ 2, तो ये वाला तो हो जाएगा प्लस में और इसको फ्रैक्शन में लिख देंगे, तो 1+ फ्रैक्शन में क्या होगा 2/5, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं, 7/5 देन यहाँ लिखना है, देन 7/5 7/5 1/5 2 रिमेंबर, तो इसको हम लिख सकते हैं 1+2/5, ये हमारी क्या हो जाएगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन।
ठीक है, मिक्स फ्रैक्शंस हो जाएगी, ठीक है, 1 + 2/5, इस प्रकार से हम फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। सेकंड देखते हैं अगला, सेकंड जो हमारा है वो है 13/6, ठीक है, सेकंड में 13/6, तो 13/6 देन 13/6, 13 को 6 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 2 × 12 = 1, तो 1 क्या रिमेंबर, तो ये होगा 2, यहाँ तो ये होगा 2 और यहाँ रिमेंबर अपॉन ये, ठीक है, तो 2 + 1/6 ये क्या हो जाएगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। लास्ट है ना फोर्थ वाला, वो है हमारा 7/4, 7/4, देन क्या करेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे 4 से, 1 टाइम गया 4, क्या 3 रिमेंबर हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 + 3/4, ये हो जाएगी इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या क्या करेंगे, देन 7/4 रिजल्ट क्या आएगा ये, तो ये होगा 1 + 3/4 मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस प्रकार इस क्वेश्चन को, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, ठीक है।